हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शार्दुल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो तुमने पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। तो बेटा, हम लोग सोल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने राउट्स लॉ तक डिस्कस कर लिया था और आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बता दिया था, ग्राफ से भी और कॉन्सेप्ट से भी। तो बेटा, अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखो, फिर ये देखना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो समझो ध्यान से कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और हम नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की है बेटा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। समझ गए ना? एकदम बढ़िया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले तुमसे देखो, एक बात तुमसे कही गई कि तुमसे ये कहा गया कि एक कंपोनेंट है ए, इसका जो प्योर प्रेशर है वो कितना है, 100 mmHg। क्लियर? और तुम्हारे पास यहाँ पर है बी, ये भी वोलाटाइल है, इसका कितना है बेटा, इसका है 50 mmHg। क्लियर? और तुमसे कहा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था 0.6 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना था, वो था 0.4। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका प्रेशर बताओ कितना होगा। तो कैसे बताओगे प्रेशर, बताओ बेटा, मुंह से तो बताओगे लेकिन कैसे बताओगे, बताओगे राउट्स लॉ से। ठीक है, तो राउट्स लॉ लिखो, पी टी क्या था बेटा, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए क्या होता है, पी ए होता है पी नॉट ए एक्स, पी बी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। आई बात समझ में, भेजे में घुसी बात या नहीं घुसी? घुस गई ना, शाबाश। अब पी नॉट ए कितना था बेटा, पी नॉट ए था 100 और ये कितना था 0.6, पी नॉट बी कितना था 50, ये कितना था 0.4। कितना आया बेटा, ये तुम्हारा आया पॉइंट से ये गया 60, ये कितना आया 4 5 20, कितना आ गया 80 आ गया। तो बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बिल्कुल आ गई, ऐसा ही तुम कह रहे होगे, है ना, शाबाश। अब तुमने ये जो निकाला है प्रेशर, ये किससे निकाला, राउल्ट्स लॉ से निकाला। अब तुम इसको एक्सपेरिमेंट करके निकालो। सेम चीज तुमने यहाँ पर सोल्यूशन लिया हुआ है, कौन सा ए और बी दोनों हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, ए और बी दोनों हैं, ए कितना है यहाँ पर एक्स से, तुम्हारे पास कितना था 0.6, एक्स बी कितना था 0.4। यहाँ तुमने लगा दिया मैनोमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तुमने मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है, प्रेशर को मेज़र करने के लिए। और जब देखा गया यहाँ पर, जब एक्सपेरिमेंट से जो है रीडिंग आई, जो प्रेशर आया वेपर का वो कितना आया, वो आपका 80 ही आ गया। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल था, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल जो था, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल जो था, वो तुम्हारा बराबर आ गया, एक्सपेरिमेंटल बराबर आ गया पी राउल्स के। तो ऐसे सारे सोल्यूशन जिसमें पी एक्सपेरिमेंटल और पी राउल्स इक्वल आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गए आइडियल सोल्यूशन। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई ना, शाबाश। अब अगर ये इक्वल नहीं आता, सपोज एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आ जाता तब भी ये नॉन आइडियल था, सपोज एक्सपेरिमेंटल कम आ जाता तब भी ये नॉन आइडियल था, तो वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें उनको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। और वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसको लिख लो, लिखना क्या है, समझना था बस। और समझदार बच्चे हो, समझ गए होगे। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर इसके कुछ और फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लें, क्या लिखनी थी बेटा हेडिंग, आइडियल सोल्यूशन। तो लिखो हैशटैग आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर? अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या कहा मैंने, those solutions that obey Raoult's law
ओवर ऑल कंपोजिशन, आर रह गया ओवर का, ओवर ऑल कंपोजिशन, ओवर ऑल कंपोजिशन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड क्या कॉल्ड बेटा, आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। आगे बात समझ में, वो जो राउट लॉ को ओबे करें हर मोल फ्रैक्शन पे, पूरे एंटायर मोल फ्रैक्शन पे, तो उनको हमने क्या बोल दिया, क्या कहा, आइडियल सॉल्यूशन। शाबाश। अब सुनो बेटा, कंडीशन क्या थी आइडियल सॉल्यूशन की? तो हमने कंडीशन की मैं बात करूं, अगर कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन, पहले तो हमने देखा कि राउट लॉ को ओबे करेंगे ये, मतलब यहां पर तुम्हारा क्या कहा गया, पी ए, पी ए बराबर होगा पी नॉट ए के, ठीक है, पी ए बराबर होगा तुम्हारा पी नॉट ए एक्स ए के, ये फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। पी भी तुम्हारा बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी की, क्लियर, और पी टी तुम्हारा, या कह तो पी एक्सपेरिमेंटल, पी टी ये एक्सपेरिमेंटल बराबर होगा तुम्हारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी क्या था, पी राउट्स था, मतलब पी टी, कहीं पर पी टी लिखा हो या कहीं पर पी एक्सपेरिमेंटल लिखा हो, बराबर होगा पी राउट्स के। इसका मतलब पी एक्सपेरिमेंटल माइनस पी राउट्स बराबर कितना आ गया, जीरो, याद रखना आया हुआ क्वेश्चन है। पी टोटल, टोटल मतलब एक्सपेरिमेंटल है यहाँ पर, और ये क्या था, पी आर मतलब पी राउल्स, इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, आगे समझ में, छापो फटाफट फर्स्ट कंडीशन, राउट लॉ को ओबे करेगा, क्लियर हो गई, शाबाश। अगली कंडीशन पे आ जाओ, सेकंड कंडीशन क्या थी बेटा, अब तुम्हें सेकंड कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, इसमें क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन, ए बी, इसको तुम बहुत ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलो पहले सेकंड था ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन क्या होगा, इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू ए ए एंड, इज सिमिलर टू ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की जगह इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकता है, क्लियर होगा यहाँ तक बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या था, ए था, क्या था बेटा, ए था, और ए के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी, जो इंटरेक्शन था वो ये, क्लियर, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, बी है। अब बी और बी का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कितनी है, जितनी ए और ए की है, क्लियर। अब जब तुमने इन दोनों को मिला दिया, तुमने इन दोनों को मिलाया, तो क्या हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई, ए और बी का इंटरेक्शन, ये कह सकते हो ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ थी, ए और बी का जो इंटरेक्शन था, जो ए बी की बॉन्ड लेंथ थी, वो बिल्कुल वैसे ही मिली मुझे, जैसे ए ए का इंटरेक्शन था, जैसे बी बी का इंटरेक्शन था। आई बात समझ में, इंटरेक्शन ना तो वीक हुआ ना स्ट्रांग हुआ, जो इन दो का इंटरेक्शन था, जो इन दोनों का इंटरेक्शन था, वही इन दोनों का आपस में भी इंटरेक्शन रहा। बात आई समझ में या नहीं आई, समझने के लिए और ध्यान से देखो, यहाँ मैंने तीन डैश बनाए हैं, यहाँ पर भी तीन डैश बनाए, वहाँ पर भी तीन डैश, वहाँ पर भी तीन डैश, क्लियर। ये ब्रेक हुआ, ये इससे दोस्ती कर ली, इसने इससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती जैसे इनकी थी वैसे ही दोस्ती इनकी आपस में भी रही, क्लियर। अगर मैं डैश कम बना देता, अगर मैं इसको ऐसे शो ना करके ऐसे शो करता, दो दिखाता, तो मतलब पास पास आ गए, इंटरेक्शन और ज़्यादा हो गया, और अगर मैं इसको चार डैश दिखाता, तो मतलब इंटरेक्शन और कम हो गया, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना वीक इंटरेक्शन, जितनी कम बॉन्ड लेंथ, जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन। अगर भावनाओं में बैके मैं कुछ उल्टा बोल दूँ तो तुम उसको सीधा कर लेना, ठीक है। भावना कौन, भावना मेरी क्लासमेट थी, समझ गए। चलो अभी इधर आओ, इसको ध्यान से देखो क्या कहा हमने, बात समझ में आ गई होगी यार, कितना बताऊँ, होशियार बच्चे हो तुम। अब तुम सुनो, तुमसे कहा गया, तुमसे क्या कहा गया कि तुम्हारे पास जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम है इसका 50 ml, इसका भी वॉल्यूम कितना है 50 ml, और जब दोनों को मिला दोगे तो कितना होगा बेटा, कितना था ये टोटल कितना था, वी इनिशियल आपका
कितना था 100 ml था, तो ये कितना मिलेगा जब इसमें इसको मिला दिया। तुम कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं आप, जब 50-50 मिलाया तो 100 ही तो मिलेगा। बिल्कुल सही, 100 ही मिलेगा, लेकिन क्या हमेशा होगा ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, आइडियल केस में ऐसा होगा। क्यों? जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी थी, जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी थी, जब ये आपस में मिले इनकी भी बॉन्ड लेंथ उतनी ही रही, उतना ही वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई करा। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते। तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट मिल गया, ये रख कर दूँ बेटा, थर्ड पॉइंट मैं रख दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट था इसका चेंज इन वॉल्यूम, या चलो थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ, इसको लिख लो फटाफट। दो तुम्हारे समझ में आ गए, तीसरी कंडीशन तुम्हारी क्या हो गई, चेंज इन वॉल्यूम। तीसरा था तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम, कितना हो गया बेटा चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मतलब वी एफ माइनस वी आई, कितना आ गया 0। तो एक इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें ये मिल गई कि चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ब्रेक किया था, जितनी बॉन्ड लेंथ पहले थी उतनी ही बाद में रही, क्लियर, बराबर बराबर वॉल्यूम चलता रहा। अब मेरी एक बात का तुम्हें जवाब देना है, क्या बात? बात ये कि जब बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो एनर्जी सप्लाई करते हो या एनर्जी रिलीज होती है? क्या कहा? शाबाश, बिल्कुल, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी सप्लाई करते हो या एनर्जी रिलीज होती है? क्या कहा? रिलीज, शाबाश, बहुत होशियार बच्चे हो तुम, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं होनी चाहिए, तुमने खुद ही तो आंसर दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मेरे पास एक बॉन्ड है ये, ठीक, और मेरे पास एक बॉन्ड है ये, एक्स वाई लेते हैं यहाँ पर, चलो एक्स, या चलो ए ले लिया, चलो ये, और एक बॉन्ड मेरे पास ये। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, इसमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, जल्दी बताओ। हाँ तुमसे ही, अबे बोल ना बेटा, कौन सा स्ट्रांग है, फर्स्ट या सेकंड? क्या कहा? सेकंड, शाबाश, खुश रहो। सेकंड वाला क्या था आपका? स्ट्रांग बॉन्ड था। क्यों? जितनी पास पास एटम होंगे, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा, और जितना स्ट्रांग अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड। अब इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जल्दी बताओ? इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, शाबाश, क्लियर। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड बना, किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, उसमें से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसको पीछे करके दोबारा सुन लो, समझ गए, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर स्ट्रांग बॉन्ड है, पता कैसे चलेगा? इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ मैंने यहाँ कम दिखाई होगी। अगर स्ट्रांग अट्रैक्शन बन रहा है तो उसको ब्रेक करने में, अगर स्ट्रांग अट्रैक्शन है तो उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसका उल्टी बात सुन लो, अगर स्ट्रांग अट्रैक्शन बन रहा है तो उसमें भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं ना? शाबाश, ये तुमने लिख ही लिया होगा। अब सुनो, ये रख कर दें मित्र, ये कर दें बेटा, कर दिया, चलो ये कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने आपसे कहा कि हमने इसको ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर ब्रेक करने के लिए जो हमने इसको एनर्जी दी वो कितना दी? वो दी 50 किलो जूल, ठीक है बेटा, 50 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर भी कितनी दी हमने? बराबर थे 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड बना है ये कितना था? पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड बना है, जितना स्ट्रांग ये था उतना ही तो स्ट्रांग बना, तो यहाँ पर कितनी रिलीज होगी? 50 यहाँ 50 यहाँ, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी -100 किलो जूल पर मोल, यही तो रिलीज होगी, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर तुम्हें फोर्थ पॉइंट ये मिल गया, क्या मिल गया? चेंज इन एंथैल्पी। कितना हुआ बेटा? चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो, समझ गए, जीरो बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखो डेल एच कितना हो गया, डेल एच तुम्हारा हो गया, हम अगर इनिशियल माइनस फाइनल देखें, या देखो ये टोटल कितना था? 50 था जो तुमने इसमें दिया था, 50, और रिलीज 50 50 मतलब 100 100 वे 50, क्यों लिख रहा हूँ बेटा, 100, और रिलीज भी कितना हुआ? 100, कितना आ गया? 0। ये मैंने अज्यूम किया था, लेकिन तुम समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज भी कितना आएगा इसका?
जीरो आएगा, याद रखो, वॉल्यूम चेंज भी जीरो, एंथैल्पी चेंज भी जीरो। तो ये कुछ कंडीशन थी, किसकी कंडीशन थी बेटा, ये कंडीशन थी आइडियल सॉल्यूशन की, कि वो रॉबर्ट्स लॉ को ओबे करेगा। इसमें क्या देखना है मुझे, पी ए बराबर होगा पी नॉट ए के, पी बी बराबर होगा पी नॉट बी के, और पी टोटल बराबर होगा पी रॉबर्ट्स की, मतलब पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और चेंज कितना आएगा जीरो, हर चीज में जीरो आएगी। चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा जीरो आएगा, चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा जीरो आएगा। और ये सब क्यों आएगा, इसका कोई पूछे कि वाई चेंज इन एंथैल्पी फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज जीरो, बिकॉज फॉर आइडियल सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन इज सिमिलर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात, अब कोई पूछे इसका ग्राफ क्या होगा, तुम ग्राफ देख के कैसे बताओगे कि ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन था या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, कैसे बताओगे बेटा, आंखों से देख के बताओगे। लेकिन क्या देखोगे तुम आंखों से, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। अब ये बताओ रॉबर्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, यहाँ एक्स बी मैंने लिया था जीरो, एक्स ए मैंने लिया था वन, यहाँ पर एक्स बी था, उल्टे हिसाब पता बन गया वन जीरो, ये लिया था जीरो, ये बन गया आपका वन, ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस थी, ये वेपर प्रेशर की एक्सिस थी। हमने मान के चला था ये आपका पी नॉट बी, कि पी नॉट बी कम वोलाटाइल है, पी नॉट ए ज़्यादा वोलाटाइल है, समझ गए ना बेटा। तो ग्राफ क्या आया था, ग्राफ तुम्हारा कुछ इस प्रकार से आया था, ठीक है बेटा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बना था तुम्हारा। तो ग्राफ पे तुम ध्यान दो, कैसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था, ठीक है। तो ये पी टी था, पी टी कितना था, इसको मिला दो ऊपर से, ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, बस तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। ये था तुम्हारा पी ए प्लस पी बी, ये क्या था तुम्हारा बेटा, ये था पी ए इजिकल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए, अच्छा अच्छा बनाना तुम। और ये क्या था, पी बी इजिकल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जो रॉबर्ट्स लॉ का ग्राफ था वही तो इसका ग्राफ होगा, क्यों, क्योंकि ये रॉबर्ट्स लॉ को तो ओबे कर रहा है, समझ गए। तो ये तुम्हारी पूरी कहानी हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। अब कुछ इस पे एग्जांपल भी देख लें तो अच्छा होगा, ये लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो, ये रब कर दें। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, देखो अगर इंट्रैक्शन सेम थे, सेम टाइप के कंपाउंड हैं, दोनों पोलर पोलर, पोलरिटी दोनों की अप्रोक्सीमेट बराबर, दोनों नॉन पोलर नॉन पोलर, तब वो क्या शो करेंगे आपके, वो शो करेंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड बेंजीन प्लस टॉलिन, ये आइडियल सॉल्यूशन थे, इसमें कोई इंट्रैक्शन, दोनों में इंट्रैक्शन सेम थे। ऐसे ही मैंने यहाँ पर सेकंड लिया एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तो बहुत मामूली सा इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस में फ़र्क होगा, दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों में सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस होंगी, और मामूली सा ना कि बराबर डिफरेंस होगा, क्लियर। ऐसे देखो नेक्स्ट था आपका क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया ब्रोमो इथेन, बिल्कुल ना के बराबर इसमें डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर होगा लेकिन ना के बराबर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ऐसे सारे जिसमें सेम टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करें, सेम टाइप की फोर्सेस हों दोनों के बीच में, इसमें भी वही फोर्स लग रही थी, इसमें भी वही फोर्स लग रही थी, आपस में मिला के भी इन दोनों में भी वही फोर्स लगी जो उनमें इंडिविजुअल थी, तो ये सारे क्या करेंगे आपके, ये सब के सब आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। बुक में और देखना, मिल जाए तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, समझ गए, छाप लो इसको फटाफट। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल तो क्लियर हो गया, नॉन आइडियल भी क्लियर हो जाएगा आराम से। तो बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आपको, वो सॉल्यूशन जो रॉबर्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो देखो दो सॉल्यूशंस डेट डू नॉट ओबे, डेट डू नॉट ओबे रॉबर्ट्स लॉ, डेट डू नॉट ओबे रॉबर्ट्स लॉ आर कॉल्ड क्या कॉल्ड, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है बेटा, जो रॉबर्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब रॉबर्ट्स लॉ क्या था बेटा, ये था तुम्हारा पी ए इज इक्वल टू
पी नॉट ए एक्स से, तो ये इसको भी नहीं करेगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, इसको भी ओवे नहीं करेगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको भी ओवे नहीं करेगा। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई एकदम, तो ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब ये जो होगा आपका दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो हेडिंग लिखो बेटा, दे आर ऑफ टू टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन, और बेटा सेकंड क्या था आपका, सेकंड था नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, लिखो इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, देखो बेटा अब बात करते हैं हम किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। अब पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशंस क्या थी, कंडीशन देखो, सबसे पहले कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन, कंडीशंस फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव कंडीशंस फॉर पॉजिटिव डेविएशन कंडीशन क्या थी बेटा, फर्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन, इज वीकर देन ए ए एंड बी बी, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए ए एंड एंड बी बी, जो ए ए का और बी बी का इंटरेक्शन था, अब इनका जो इंटरेक्शन होगा उससे वीक होगा। क्लियर, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या था आपका, कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी या पी एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इतनी बात आ गई समझ में। और ये पूरा क्या था आपका, ये पूरा था पी राउल्ड्स, तो मतलब पी टोटल एक्सपेरिमेंटल माइनस पी राउल्ड्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो याद रखना, जो पी टोटल माइनस पी आर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए क्या बोल दिया, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको समझ लो और ध्यान से, कि जब इंटरेक्शन वीक है, जब वीक इंटरेक्शन बनेगा तो क्या होगा, जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वीक है तो वो जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा। क्लियर, मेन मुझे ये देखना था। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये मेरे पास यहां पर ए था, ए का कुछ इंटरेक्शन था, ये मेरे पास बी था, यहां पर बी का भी तीन डैश थे। अब जब इनको मैंने मिलाया तो यहाँ पर क्या बना मुझे, यहाँ मुझे मिला ए बी, यहाँ पर भी मुझे क्या मिला, ए बी चार डैश। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है तो मतलब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने आपसे कह दिया कि सपोज 50 ml इसका था, 50 ml इसका था, लेकिन अब जो इंटरेक्शन बना इसके अंदर वो वीक इंटरेक्शन बना, वीक बना तो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो क्या होगा बेटा, दूर दूर होने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम अब ज्यादा हो जाएगा, दूर दूर है ना बेटा, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम इसका जो होगा वो सपोज 105 हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो ये वी इनिशियल था, वी इनिशियल कितना था आपका, वी इनिशियल था 100, और वी फाइनल कितना हो गया 105, तो डेल वी कितना हो जाएगा बेटा, थर्ड कंडीशन थी इसकी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, इज ग्रेटर देन जीरो। तो याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, डेट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, वो भी तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। पहले ये लिख लो सब, ये लिख लिया वॉल्यूम वाला लिख लो बेटा, नोट्स तो तुम्हें ज़रूर बनाने हैं, नहीं बनाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर फोर्थ पॉइंट की, तो सुनो बेटा, ये सपोज इसको ब्रेक करने में मैंने कितनी दी, 50 जूल, 50 किलो जूल हीट दी, इसको भी कितनी थी 50 किलो जूल पर मोल इसको भी हीट दी। अब वो बॉन्ड तो वीक बना है ना, ये स्ट्रांग बॉन्ड थे, वो इतना स्ट्रांग नहीं बना, वो वीक बना, तो यहाँ पर सपोज कितनी रिलीज हुई,
80 किलो जूल हीट रिलीज हुई, ये पॉजिटिव थी, हमने सप्लाई करी थी, ये रिलीज हुई। तो बेटा डेल एच इंथाल्पी चेंज कितना हो गया, इंथाल्पी चेंज लिख लो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट का, इंथाल्पी चेंज फॉर अ सोल्यूशन क्या होगा बेटा, इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो डेल एच कितना हो गया, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर डेल एच भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा एक बात मैं पीछे बताना भूल गया था, अब यहाँ सुन लो, कोई भी हो तुम्हारा चाहे आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन, डेल एस मिक्सचर या डेल एस सोल्यूशन यानी कि एंट्रोपी चेंज हमेशा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, और डेल जी सोल्यूशन मतलब गिब्स एनर्जी चेंज हमेशा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, मतलब सोल्यूशन बन गया तो वो स्पॉन्टेनियस ही तो हुआ। ठीक है ना, हमने इसके अंदर कोई मैकेनिकल वर्क तो नहीं किया, कोई रिएक्शन हुई आपस में या कोई सोल्यूशन बना तो वो स्पॉन्टेनियस बन गया, हमें सिर्फ इनिशिएट करना था फिर वो बन गया। और जब स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल एस सोल्यूशन या डेल एस टोटल या डेल एस मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होता है, और इंथाल्पी क्या होगा और गिब्स एनर्जी क्या होगा, हमेशा गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो कंडीशन यही रहेगी। क्लियर, तो ये कॉमन कंडीशन है, तो ये चारों कंडीशन समझ में आ गई। तो इसके लिए डेल एस पॉजिटिव और डेल जी नेगेटिव, आइडियल के लिए भी डेल एस पॉजिटिव डेल जी नेगेटिव, इतना क्लियर हो गया, ये कोई डाउट तो नहीं, लिखो इसको फटाफट, ये भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बेटा कि अगर इंट्रैक्शन, कुछ एग्जाम्पल देखें इसकी, हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहां पर मैंने क्या लिया बेटा, यहां मैंने लिया वाटर, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसमें वाटर में क्या होता है बेटा, बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो जब ये इसके बीच में आएगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, तभी तो इससे ही दोस्ती करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रांग था, जब ये इससे मिला तो क्या गया, उसने इसकी बॉन्डिंग को वीक कर दिया, और जब बॉन्डिंग वीक हो गई, जब बॉन्डिंग वीक हो गई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा बेटा, जब बॉन्डिंग वीक हो गई तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन, बॉन्डिंग वीक हो गई, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो बना वो वीक बना। तो ये क्या था, ये था आपका क्या था बेटा, ये था पॉजिटिव डेविएशन। ऐसी वाटर को अगर तुम मिला दोगे किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ, सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे बेटा तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास अगर एसीटोन है, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन अगर तुम मिलाओगे तो बहुत ध्यान से देखो, एसीटोन क्या था तुम्हारा, CH3 COCH3, ठीक है, यहाँ पर क्या था C6H6, ये पोलर था ये नॉन पोलर था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इसको इसके इंट्रैक्शन को डिक्रीज कर देगा, अभी इसके बीच में आ जाएगा तो इसको अपने इंट्रैक्शन ब्रेक करने पड़ेंगे, इससे दोस्ती करने के लिए इसे अपने इंट्रैक्शन ब्रेक करने पड़ेंगे, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव डेविएशन। और देखो यहाँ मेरे पास है क्लोरोफॉर्म है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, CCl4 ले लिया, ये नॉन पोलर ये पोलर सेम चीज़, ये पोलर ये नॉन पोलर, अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ये अपने इंट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। क्लियर, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गई। अब ध्यान से सुनो, अब हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ ग्राफ की, तो अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ पे तुम खास ध्यान दो बेटा, हमने ये देखा कि हमने जब राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाया था तो वो कैसा बना था, ग्राफ कुछ ऐसा था, ये आपका एक्स ए था, ये आपका एक्स बी लिया था मैंने 1, एक्स ए लिया था 0, यहाँ पर आपका एक्स बी 0 था, एक्स ए 1 था, ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस, ये था आपका पी नॉट बी, ये था पी नॉट ए। तो देखो ये क्या बना था, इस टाइप का जो ग्राफ था आपका वो था राउल्ट्स लॉ का। क्लियर, अब क्या कहा गया आपका, ये कहा गया कि पी टोटल जो है, पी टोटल राउल्ट्स लॉ से ज्यादा है, अगर तुम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस मोल फ्रैक्शन पे पी टोटल ये आएगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे सोल्यूशन का तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अभी तुम्हें बात बिल्कुल
क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसका जो आएगा आपका वो कुछ इस टाइप से आएगा, और ये जो आएगा ये कुछ इस टाइप से आएगा, और ये आएगा आपका ऐसे। थोड़ा बड़ा बनाना ताकि क्लियर बन सके, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, ये अगर आप आइडियल कंडीशन पे देखते तो इसका प्रेशर ये होता, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तो प्रेशर ये आया, तो मतलब जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा आया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका किसका, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। तो यहाँ पर आपका पी टी बराबर, पी टी क्या था, ज़्यादा आया था पी ए प्लस पी बी के, और यहाँ पर आपका ये जो पी ए था ये ज़्यादा आया था पी नॉट ए, एक्स ए से अच्छा सा बनाना। ये पी बी था ये ज़्यादा आया था पी नॉट बी एक्स बी से, क्लियर है। फटाफट इसको बनाओ, और तुम्हें मुझे पूरी उम्मीद है ग्राफ समझ में आ गया होगा। आ गया ना बेटा, छापो इसको फटाफट। बेटे कुछ एग्जांपल और लिख लो कि तुम्हें याद रहे, एग्जांपल इसकी समझा तो दिया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एग्जांपल आप याद कर लें जिससे कि आपको कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देख के समझ ही जाओगे कि कौन सा आपका आइडियल है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा आपका नेगेटिव डेविएशन है। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सेकेंड नॉन आइडियल में था नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। कंडीशन देख लो क्या थी इसकी, कंडीशंस पे आ जाओ। फर्स्ट कंडीशन तो वही थी आपकी, अब इसमें सुनो, फर्स्ट कंडीशन वहां पर क्या था, वीकर था, यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा। ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, इज स्ट्रॉन्गर देन ए ए, इज स्ट्रॉन्गर देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन, stronger than A and B B interaction। आगे बात समझ में, तो ये important point था, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, चलो जगह कम होती है। इतनी कहानी क्लियर हो गई बेटा आपकी कि A B interaction क्या होगा, stronger होगा, stronger होगा तो मतलब ज्यादा पास पास होंगे, जब ज्यादा पास पास होंगे तो क्या होगा बेटा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कसके से पकड़ रखा है दूसरे को तो वो वेपर अब देर में बनेगा। आई बात समझ में, तो सेकंड इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट आपका आ गया। सेकंड क्या था कि पी नॉट ए, सॉरी पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, और आपका पी नॉट पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब पी राउड्स। तो पी टोटल माइनस पी राउड्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया लेस देन जीरो, डेट इज नेगेटिव। तो याद रखना नेगेटिव डेफिनेशन में ये नेगेटिव आएगा, क्लियर। अब हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या आएगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। ये समझ गए होगे तुम, लेकिन तुम्हें चलो एग्जांपल देख के समझा देते हैं। ये आपका ए ए था, ये आपका बी था। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बना ए और बी के बीच में, पास पास आ गए, पास पास आ गए तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो गया। ये पूरा अगर ये 50 था, ये 50 ml था तो ये 100 ml था V इनिशियल, और V फाइनल क्या होगा बेटा, अब ये बनेगा आपका सपोज 95। तो यहाँ पर डेल V कितना आ गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल आपका आ गया माइनस 5, मतलब नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। तो डेल V यहाँ पर क्या था आपका, लेस देन जीरो था, लेस देन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब यहीं पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इंथैल्पी चेंज, तो वो भी नेगेटिव आएगी, क्यों आएगी समझो ध्यान से। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका एनर्जी दी होगी 50, सपोज 50 किलो जूल दी, यहाँ पर भी कितनी दी 50 किलो जूल। अब जो बॉन्ड बना है वो इसे स्ट्रांग तो बना है ना, इतना तो नहीं बना, इससे स्ट्रांग बॉन्ड बना, और जब स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो सपोज रिलीज हुई तुम्हारी 120 किलो जूल, इससे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड बना था, बॉन्ड स्ट्रांग था, इंटरेक्शन ज़्यादा था। तो यहाँ पर डेल एच में अगर देखूँ, डेल एच तो यहाँ पर पॉजिटिव कितना था आपका, पॉजिटिव था 100, और नेगेटिव कितना था 120, तो क्या आ गया माइनस 20,
मतलब हमेशा, ये तो मैंने ऐसी वैल्यू यहाँ पर ले ली थी आपको समझाने के लिए, तो ये याद रखना क्या आएगा आपका, लेस देन जीरो मतलब हमेशा नेगेटिव, तो नेगेटिव डेविएशन में ये भी नेगेटिव था। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? अब तो यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत समझ गए होगे, समझदार बच्चे हो। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, तो ग्राफ पे तुम खास ध्यान दो, समझ तो गए होगे, पॉजिटिव में ऊपर था, नेगेटिव में क्या कर दो, बस नीचे कर दो। तो ये हम ग्राफ बनाए इसका, सेम चीज, एक्स बी कितना था, वन था, एक्स ए कितना था, जीरो था, यहाँ पर एक्स बी जीरो था, एक्स ए वन था, ये मोल फ्रैक्शन एक्सेस, ये वेपर प्रेशर एक्सेस, ये हो गया आपका पी नॉट बी, बिकॉज पी नॉट बी इज लेस वोलेटाइल, ये पी नॉट ए हो गया, तो यहाँ से इसको मिलाओ ये, और यहाँ से इसको मिला दो दिस, इससे इसको मिला दो, क्लियर? ये तो आइडिया, ये क्या था, आइडियल था, लेकिन हम जानते हैं आइडियल नहीं था इस केस में। इस केस में क्या था बेटा, इस केस में था आपका, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ कैसा आएगा, नेगेटिव, जितना आना चाहिए था उससे कम प्रेशर आएगा, ये नीचे से आएगा, यहाँ पर ये भी नीचे, और यहाँ पर बेटा ये भी नीचे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर ये था तुम्हारा, यहाँ पर जो पी टी था वो लेस देन था तुम्हारा पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ पर जो पी ए था वो लेस देन था तुम्हारा पी नॉट ए एक्स ए से, और यहाँ पर जो आपका पी बी था वो लेस देन था पी नॉट बी एक्स बी से। इतनी बात आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? जल्दी बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? शाबाश, लिखो ये। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो, कुछ सिंपल सिंपल इसकी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी तुम्हारे बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये सी एल, ये सी एल सी एल सी एल, यहाँ पर एक एच, लेकिन जब तुमने दोनों को मिला दिया, तो ये जब तुमने दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर हम जानते हैं, देखो ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और तीन स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या बना आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगर पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वीक था, अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पर कहानी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव डेविएशन। ऐसी सेकंड देखो, सेकंड में बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर HCl प्लस एसिड, HCl प्लस वाटर, अगर वाटर में तुमने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है तो ये क्या करेगा, इसका ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, या कहते तो हाइड्रेशन कर लेगा, तो ये भी आपका नेगेटिव डेविएशन। तीसरा यहाँ लिखा मैंने H2SO4 प्लस H2O, ये भी। फोर्थ मैंने लिखा HNO3 यहाँ पर H2O, ये भी आपका, सब आपके क्या थे, ये सब थे आपके पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डेविएशन। और तुम समझ जाओ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन ही होगा। क्लियर है तक बात? कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, समझ गए ना बेटा? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, जितना तुम्हें पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एजियो टॉपिक मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और कोई डाउट हो तो मैसेज करके कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है बेटा? तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी सब्सक्राइब करो, समझ गए? चलो अब जाओ।